नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, दैट इज क्वेश्चन 16। क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर चूजन एट रेंडम हैज 53 संडेज और 53 सैटरडेज। आप ध्यान से देखें, दिस इज क्वेश्चन 16। इन अ लीप ईयर कितने डेज होते हैं? इन अ लीप ईयर थ्री सिक्सटी सिक्स डेज होते हैं। किसी भी लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं, बिना जो विदाउट लीप ईयर होगा उसमें 365 होंगे आपके, नॉट अ लीप ईयर जो होता है। अब इसमें हम हफ्ते बनाएं, भाई 366 को आप डिवाइड कर लो किससे? आप 7 से डिवाइड कर लो, यानी कि 52 तो हफ्ते बन गए जो पूरे हैं, 52 वीक्स, और 2 दिन एक्स्ट्रा रह गए। नहीं बस, जब हम पूरे साल के वीक्स बनाएंगे तो 52 हफ्ते बन गए, 2 दिन एक्स्ट्रा रह गए। अगर 52 हफ्ते बने हैं मतलब 52 संडे हैं, 52 मंडे हैं, 52 ट्यूसडे हैं, 52 वेडनेसडे हैं, ऐसे ही 52 सैटरडे हैं, वो तो फिक्स हो गए। बट ये 2 दिन एक्स्ट्रा जो है, ये कुछ भी किसी को भी बढ़ाया घटा सकते हैं। आप बोलेंगे इन अ लीप ईयर 52 वीक्स एंड 2 डेज एक्स्ट्रा, इसमें एक्स्ट्रा है, सो एक्स्ट्रा 2 डेज कैन बी इन द फॉर्म, एक्स्ट्रा 2 डेज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में हो सकते हैं? वो किस फॉर्म में हो सकते हैं जरा चेक करें। उसको हम ई इवेंट मान लेते हैं। वो हो सकते हैं आपके, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, वो हो सकता है कि आपका सैटरडे पर वो दिन 52 हफ्ते खत्म हो, जो 52 हफ्ते खत्म हो रहे हैं वो सैटरडे पर खत्म हो, तो जो पहला दिन है वो क्या होगा? वो संडे होगा, और उससे अगला दिन क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। बट हो सकता है कि वो खत्म हो आपके किस पर? मंडे पर, तो मंडे होगा पहला दिन, दूसरा दिन क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। अगर वो हो सकता है कि आपके मंडे पर खत्म हो, तो पहला दिन होगा ट्यूसडे, दूसरा दिन होगा वेडनेसडे। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं। अगर वो आपके ट्यूसडे पर खत्म हो, तो पहला दिन क्या होगा? वेडनेसडे होगा, और उससे अगला दिन होगा थर्सडे। और अगर वेडनेसडे पर खत्म हुई तो थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे पर खत्म हुई तो फ्राइडे सैटरडे, और अगर सैटरडे फ्राइडे पर खत्म हुई तो आपका होगा सैटरडे संडे। ठीक है, और अगर वो सैटरडे पर खत्म हुए तो संडे और मंडे, तो यही पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं उन 2 दिनों के लिए आपके। ठीक है, कितने बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आप डिफरेंस को समझें। अब अगर वो क्वेश्चन पूछता है, भाई वो क्या पूछ रहा है कि 52, 53 तो संडे होने चाहिए और 53 ही क्या होने चाहिए? सैटरडेज होने चाहिए। तो मैं मान लेता हूं, लेट ए डिनोट्स द इवेंट, ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग 53 संडेज। हमने ए इवेंट मान लिया कि हमें 53 संडेज मिल जाएं। सॉरी, इसको सैटरडेज मान लो आप, पहले सैटरडे हुआ ना, सैटरडेज, या वैसे भी मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बी डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग 53 संडेज। आप चेक कर लो कि 53 सैटरडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 53 सैटरडेज कब आ सकते हैं? भाई 52 तो हो ही पड़े हैं, उनका तो कुछ रोल ही नहीं है, सारा रोल इनसे डिफाइन होना है कि 53 कौन से होंगे। अब 53 सैटरडे कब हो सकते हैं? देखो, या तो अब ध्यान से देखें, ये पैटर्न रिपीट हो जाए, ये वाला पैटर्न आ जाए, या फिर ये वाला पैटर्न आ जाए, तो हमारे पास 53 संडे सैटरडेज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी एक सैटरडे है, इसमें भी एक सैटरडे है,
और 53 करने के लिए एक बहुत है आपका। तो टोटल तो केस हैं आपके पास ये 7 और फेवरेबल कितने हो गए 2, यानी 53 सैटरडेज आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 2/7। ठीक है, इसके बाद पीबी, यानी कि पीबी मतलब 53 संडेज आ जाएं, 53 संडेज आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी। फेवरेबल केस देखो, एक तो ये आ जाए तो भी संडे और ये आ जाए तो भी संडे। आ रही बात समझ में? ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, तो फेवरेबल कितने हो गए 2 हो गए और टोटल कितने हमारे पास 7 हो गए। ठीक है, मतलब अब हम निकाल लेते हैं पी 53 सैटरडे एंड 53 संडे, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये एक पॉइंट है 53 सैटरडे एंड 53 संडे, ये इसका मिडल वाला पार्ट है, बट ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है 53 सैटरडे एंड 53 संडे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जरा चेक करो, 53 सैटरडे भी बन जाएं और 53 संडे भी बन जाएं, तो वो कब बन सकते हैं? वो आपके तब बन सकते हैं जब ये वाला पैटर्न आ जाए। अगर ये वाला पैटर्न आ जाएगा तो देखो सैटरडे भी 53 हो जाएंगे और संडे भी कितने हो जाएंगे 53 हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉसिबल पेयर नहीं है जिसको लाने से दोनों आपके क्या हैं 53 53 हो जाएं। तो फेवरेबल कितने हैं 1, टोटल कितने हैं 7, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अगला हमें निकालना है पी 53 सैटरडे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और 53 संडे, यानी पी 53 सैटरडे को हमने क्या माना है ए इवेंट माना है, और यानी यूनियन बी हमारे पास देख लो पी ए है पी बी है और पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको आप लिखना चाहो तो ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो क्योंकि एंड का मतलब इंटरसेक्शन है। तो कोई फार्मूला याद आ रहा है आपको इसके लिए, होता है ना फार्मूला, तो हम यहां लगाएंगे पी ए यूनियन बी हमारे पास होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने निकाली 2/7, ये भी हमने निकाली 2/7 माइनस 1/7, तो यहां एलसीएम आ गया 7, 2 + 2 - 1 यानी 4 माइनस 1 इज 3/7। तो 53 सैटरडेज या 53 संडेज आपके आ जाएं, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/7 होगी। क्लियर है क्वेश्चन?